मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की वो के चार पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग। अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां है किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? गिनती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर, अक्ल नहीं है क्या? साहब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कहला तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हलकर, दिखता नहीं क्या प्यादा इधर खड़ा है? इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। जब भी चाहिए तुझे चलो पता माल कहाँ है। काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आए या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आए? कायजाला साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर,